हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगजोन पर। और डेली की तरह आज हम लोग शुरू करेंगे अपने पॉलिटी के 10 का दम के साथ। और यहाँ पर हम कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और ये होने वाला है हमारा 23 जनवरी के लिए। तो दोस्तों, हमारा टेक्निकल जो मैकेनिकल का सेक्शन है CBT 2 के लिए, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं 10 फरवरी से। और सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोडक्शन से। ठीक है, प्रोडक्शन से हम लोग शुरू करेंगे। केमिस्ट्री हमारा 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। 25 जनवरी को केमिस्ट्री का लेक्चर्स आ जाएगा। और केमिस्ट्री के बाद फिर हम लोग लाइफ साइंसेज पूरा कवर करेंगे CBT 1 के लिए और CMS सिलेबस के लिए, दोनों के लिए। और लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना मैक्सिमम हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इस चैनल की इंफॉर्मेशन को शेयर करिए, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकें, क्वालिटी एजुकेशन ले सकें और RRBJEE 2019 में अपने लिए एक सीट पक्की कर सकें। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये आर्टिकल 356 है। ठीक है, आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है उसको वो लागू कर सकते हैं स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिशियबल इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में न्याय संगत है? फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर है मौलिक अधिकार, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे जस्टिशियबल इन नेचर है, क्योंकि जब वो वायलेट होते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल जो है वो कोर्ट्स जा सकते हैं उनकी राइट्स को अगर एनक्रोच किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर, बिकॉज दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। ठीक है, क्योंकि कोर्ट उसको लीगली एनफोर्स नहीं करता अगर उसका वायलेशन होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल लीगल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और इसे एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? तो यहाँ पर है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है इसको रिमूव करके सिंपल लीगल राइट बना दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर है 6 वर्षों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके 6 वर्षों के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? तो यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके। यूके में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं है, वेरेज ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, बांग्लादेश के पास आपके रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्री। भारत ने किस देश के संविधान से न्यायिक समीक्षा का अवधारणा ली है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा यहां से हमने ली है यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है, यूएसए से, यूएसए। ये हो गया हमारा यूके, तो हमने किससे एक्सेप्ट करी, यूनाइटेड स्टेट से। ठीक है, अगला देखिए, विच आर्टिकल वॉज रेफर टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का दिल और आत्मा द्वारा संदर्भित किया गया है? यहां से सही ऑप्शन है हमारा आर्टिकल 32, दैट इज अनुच्छेद 32 को। ठीक है, यहां से इसको बोला गया है द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहां पर हमारा जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, सैन्य और अकादमिक को छोड़कर खिताब उन्मूलन, ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी नहीं है, फंडामेंटल राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, डैश मींस दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रीकंसिडर द केस एंड द लीगल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन इट। डैश का अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले और इसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो यहां होता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के कारण क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को दोबारा से कंसिडर कर सकता है।
लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूएनओ इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द सेवेंथ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑफ इंडिया। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत के संविधान में सातवीं अनुसूची में दी गई डैश की सूची में संबंधित है। तो यहाँ पर यूनियन, ठीक है, यहाँ पर यूनियन लिस्ट में दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला भी लेसन आज के लिए फिनिश होता है। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे लेसन आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लाते रहेंगे। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है, चैनल को जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमने फिजिक्स पूरा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, केमिस्ट्री हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग लाइफ साइंसेज भी पढ़ेंगे और पैरेलल में हमारा टेक्निकल भी चलेगा। तो आरआरबी जेई की एक बहुत अच्छी तैयारी हम हमारे चैनल के साथ कर सकते हैं अगर हमारे को डेली आप लोग फॉलो करें बहुत कायदे से। सो थैंक यू सो मच, और मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिएगा।